2024 के बोर्ड परीक्षा में जो जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझते हैं ना, तो बाबू मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल हो जाएंगे। अब कैसे? देखिए, पहले क्या था कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव सब करने पड़ते थे। पहले ऑब्जेक्टिव आपको 100 को देता था, तो आप 85 ऑब्जेक्टिव उसमें बनाना पड़ता था, 50 छोड़ना पड़ रहा था। लेकिन इस बार सब कम कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कम कर दिया गया। मतलब 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके बिहार बोर्ड के पैटर्न में बदलाव हुआ है। इस पैटर्न को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नहीं जानेंगे और पैटर्न के अनुसार तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका रिजल्ट बता रहा हूँ बहुत कम होगा। रिजल्ट में बहुत आपकी गिरावट आ सकती है। तो चलिए समझते हैं आखिर बिहार बोर्ड के बोर्ड परीक्षा 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से, आखिर उनके पैटर्न में क्या बदलाव आया है, आखिर उनके पैटर्न में कैसे कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव, कैसे 2 अंक वाले और कैसे 5 अंक वाले प्रश्न करेंगे। तो ध्यान से एक एक बातों को बारीकी से हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, बिहार बोर्ड में 3 टाइप के प्रश्न कर रहे थे। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहा था, दूसरा 2 अंक वाला प्रश्न कर रहा था और तीसरा 5 अंक वाला प्रश्न कर रहा था। तो ये तीनों कैटेगरी का प्रश्न कर रहा था बिहार बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड में तीनों कैटेगरी का प्रश्न कर रहा था, तो इसमें ऑप्शन थे कि मान लीजिए अगर 2 अंक वाला प्रश्न अगर 30 को कर रहा है, तो मात्र 15 ही को 2 नंबरिया प्रश्न का जवाब देना है। अगर 5 अंक वाला प्रश्न 8 को कर रहा है, तो मात्र 4 को 5 नंबरिया प्रश्न का भी जवाब देना है। मतलब 50% प्रश्नों का जवाब देना था, भले वो ऑब्जेक्टिव हो या 2 अंक वाला प्रश्न हो या 5 अंक वाला प्रश्न हो, सब में आपको 50% प्रश्न का ही जवाब, मतलब 50% प्रश्नों का ही केवल जवाब देना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और पैटर्न आ चुका है बिहार बोर्ड 2024 के बच्चों के लिए। चलिए समझते हैं आखिर वो पैटर्न क्या है। देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव 100 कर रहा था, लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव आपका करने वाला है 60 ऑब्जेक्टिव करेगा, और इस 60 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव के जवाब देने हैं। पहले तो 100 को पूछता था, तो 50 को जवाब देना था, 50 को छोड़ना था। लेकिन अब है कि 60 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 50 को ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है और 10 को मात्र छोड़ना है। यानी 60 को में से 50 को जवाब सही होना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन बहुत कम हो गए। पहले तो 100 को में से 50 को तो लेकर मार ही देता था। मान लीजिए आप एक दे हजार ऑब्जेक्टिव याद कर ले, तो भैया उसमें 50 को नहीं लड़ेगा, 100 को है तो 1-2 को छोड़ करेगा। मतलब कहने का मतलब, पहले ऑप्शन ज्यादा थे, अब ऑप्शन कम कर दिया। अब 100 को जगह पर 40 को ऑब्जेक्टिव कर दिया, 60 को कर दिया, 60 को में से मात्र 50 को सही सही आपको जवाब देने हैं। अब रही बात 2 अंक वाले और 5 अंक वाले में, आप सोचे होंगे कि क्या इसके पैटर्न में बदलाव हुआ, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर आपको 30 को ऑब्जेक्टिव करेगा, 30 को 2 नंबरिया प्रश्न करेगा, 30 को अगर कर रहा तो 15 को 2 नंबरिया का जवाब देना, आधा प्रश्न का जवाब देना, आधा छोड़ना है। 5 अंक वाले में यही हुआ कि मान लीजिए अगर 8 को 5 नंबरिया प्रश्न करता है, तो 8 को में से आधा का जवाब देना, 4 का जवाब देना और 4 छोड़ना है। तो यही 2024 के बच्चों के लिए पैटर्न आया है, और ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा बदलाव जो है बताया गया। हालांकि देखो, कहने का ये मतलब है कि मैं बिहार बोर्ड के बोर्ड से जुड़ा हूं, इस कारण से मुझे सारा इंफॉर्मेशन पहले ही पता चल जाती, और 100% इसी पैटर्न के अनुसार आपका 2024 में एग्जाम होने वाला है। तो बिहार बोर्ड के बच्चे अब तैयार हो जाए और इस माध्यम से, इस तरीके से अपना तैयारी कर। देख लीजिए, आपका ये पैटर्न 60 ऑब्जेक्टिव करेगा तो 50 को जवाब देना है, 2 अंक वाले प्रश्न अगर 30 को करते हैं या मान लीजिए 20 को करता है, तो उसमें आधा प्रश्न का जवाब देना है। यानी 2 अंक और 5 अंक वाले में आपको 50% प्रश्न का ही जवाब देना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले में क्या है कि इसमें ऑप्शन कम कर दिया, इसमें 100 को 60 को ऑब्जेक्टिव कर दिया और 60 में से 50 का जवाब देना ही है। इस वीडियो को विद्यार्थी यानी हर विद्यार्थी तक शेयर कर दीजिए। बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उसमें हर बच्चों तक शेयर करिए, ताकि इंटर और मैट्रिक के विद्यार्थियों को ये पैटर्न पता चल सके और इस तरीके से अपना तैयारी कर सके, ताकि उनका रिजल्ट बेहतर हो सके। जय हिंद।